हिमाचल में उठे राजनीतिक तूफान को अपने इस्तीफे से बवंडर बना देने वाले विक्रमादित्य सिंह का रविवार को सोलन में दिया गया भाषण अब बवंडर के पूरी तरह थमने का संकेत दे गया। बागियों की सबसे बड़ी उम्मीद और वीरभद्र सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने शुरू में तो बागियों के प्रति नरमी दिखाई और पैचअप कराने के लिए चंडीगढ़ दिल्ली तक की दौड़ भी लगाई। इसके लिए विक्रमादित्य को अपनी ही पार्टी की उलाहना भी झेलनी पड़ी और एक समय उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन विक्रमादित्य का सोलन में दिया गया परिपक्व भाषण उनकी राजनीति की दशा और दिशा का साफ संकेत दे गया। रविवार को सोलन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने सीएम सुक्खू के बड़े दिल की खूब तारीफ करी और इस संकट से निपटने के लिए भी उनकी सराहना की। विक्रमादित्य ने इशारों में बागियों के बारे में भी स्पष्ट बात कही और अपना पक्ष भी रखा। विक्रमादित्य का कहना था कि सीएम ने कहा भी था कि भूला अगर शाम को लौट आए तो उसका स्वागत है, लेकिन जो लोग बार बार भूल कर रहे हैं उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक समय पर बागियों ने विक्रमादित्य की सुलह की बात भी नहीं मानी होगी, जिसका जिक्र विक्रमादित्य कर रहे थे। क्रॉस वोट के बाद से लगातार विधायकों का आक्रामक रुख भी इसी नजर से देखा जा सकता है। विक्रमादित्य ने अपने भाषण में हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ की आमद से इंटेलिजेंस एजेंसियों के बेखबर रहने की बात कर जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। इससे ये संदेश भी गया कि क्रॉस वोट और उसके बाद की बागियों की गतिविधियों से वो नहीं जुड़े थे। विक्रमादित्य के बयान का असर सबसे ज्यादा बागियों पर ही होना था और हुआ भी। विक्रमादित्य के भाषण के कुछ देर बाद ही बागी विधायकों के अगवा सुधीर शर्मा ने फेसबुक पोस्ट से तंज कसा कि जो कभी हमारे थे वो अब किसी और के हो गए हैं। शिमला के एक पत्रकार को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में जब राजेंद्र राणा से विक्रमादित्य के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। ये बात तो साफ है कि अब केवल छह बागी ही असल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार के खिलाफ कहे जा सकते हैं और बाकी 34 पूरी तरह से मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में एकजुट है। विक्रमादित्य के भाषण से भाजपा को भी बड़ा झटका लगा होगा, जो कांग्रेस में फूट की उम्मीद से कई दिनों से सत्ता का ताना बाना बुन रही थी। सारे एपिसोड में मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी कार्यक्षमता पर उठाए जा रहे सारे सवाल बेमानी साबित हुए और अंततः वो अग्नि परीक्षा को पास कर गए। कांग्रेस सरकार के लिए अब अगली लड़ाई अदालत की होगी, जहां बागियों ने राहत की अपील की है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में हिमाचल सरकार ने भी कैविएट एप्लीकेशन लगाकर किसी भी फैसले से पहले उन्हें भी सुनने की गुहार लगाई है। माना जा रहा है कि यदि किसी तरह का स्टे फैसले पर लगता भी है तो भी विधायकों को सदन में उनका वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। इसमें संदेह है, अदालत की पूरी कार्यवाही और अंतिम फैसला आने में लंबा वक्त भी लग सकता है।